में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है, इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? देखिए, हर राज्य को अपने फ्यूचर के कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, भविष्य की कार्ययोजना तय करनी पड़ती है। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से एक अपेक्षा की थी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 16 गोल्स तय किए थे, जिसमें गरीबी का सर्वथा उन्मूलन हो, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिल सके, जल संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके, स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो क्या था। अकेले उत्तर प्रदेश एक ऐसी विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक डिबेट कराई थी और डिबेट 36 घंटे तक अनवरत चली थी, रिकॉर्ड भी है। और उस डिबेट के कारण हमने फिर मंत्री समूह बनाए थे जी, अंतर विभागीय समन्वय के भी, और उन सभी को फॉलोअप करने के लिए जो चीजें सामने आई थी उसमें ये बात आई थी कि डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे, यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने में समय लगेगा, उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी, और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी, तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2 चीजें देखनी जरूर पड़ेंगी, एक व्यापक जागरूकता और फोकस्ड करके उन उस तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है, अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके इस टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले, और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है जिस जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का, और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब साइंटिफिक मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर लॉजिक दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, लीचेज डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए।
हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मित कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं पूछ रहा, टाइमिंग को लेकर सवाल है। छह चुनाव से छह महीने पहले भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। उनका आरोप ये है कि एजेंडा आपका है। मेरा नहीं, ये यूएन ने हर देश के सामने दी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि देश के अंदर हर एक विधानमंडल में इस पर चर्चा हो और राज्य सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करें। इसीलिए आपने देखो, अगर पिछले 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, फोकस्ड योजनाएं थी, पीएम आवास योजना, जनधन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, हर घर नल की योजना, उज्ज्वला योजना, या ये जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखें, हर योजना के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी समृद्धि का उसके पीछे का उद्देश्य है। उसको अगर आप राजनीतिक एजेंडे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कितने वैध बच्चे हैं कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे वे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी, और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये कानून, मतलब इसका कानून का जामा पहना जाएगा। अभी इसका ड्राफ्ट विधि आयोग बना रहा है, जब आएगा फिर पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसके कमेंट लोगों के मांगे जाएंगे। आपको लगता है ये पॉलिसी पूरे देश में भी आनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हर एक जगह से इसकी आवाज उठ रही है और